राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का एक समूह पिछले 5 दिनों से गुजरात में यात्रा कर रहा है और वह वहां राजस्थान सरकार पर युवाओं से किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहा है। इस यात्रा को दांडी यात्रा नाम दिया गया है। तो इस यात्रा को दांडी यात्रा नाम दिया गया है जो 150 किलोमीटर की दूरी तय कर गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त होगी। बता दें कि राजस्थान के युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर दांडी यात्रा 6वें दिन लगातार जारी है। बता दें कि ये यात्रा अभी तक 125 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में युवा बेरोजगारों की दांडी यात्रा पहले गुजरात के साबरमती आश्रम जाएगी। तो 150 किलोमीटर का सफर तय करेगी और साथ ही वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं ये युवा, जो कि अपना सफर गुजरात तक पूरा करेंगे, यानी कि गुजरात के कांग्रेस कार्यालय पर जाकर ये सफर पूरा होगा, जिसमें लगातार जो युवा है उनको ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस है उन्होंने अपना जो वादा है युवाओं को रोजगार देने का, प्रदेश सरकार ने वो पूरा नहीं किया है। तो राजस्थान से सफर शुरू हुआ है और गुजरात के कांग्रेस कार्यालय पर जाकर ये खत्म होगा। तो अभी तक 125 किलोमीटर का सफर पूरा हो चुका है, 150 किलोमीटर का सफर तय करना है। तो ये दांडी यात्रा निकाली जा रही है युवाओं की तरफ से, जिसमें जो तमाम युवा हैं, तमाम लोग हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने, यानी कि राजस्थान सरकार ने जो वादा किया था रोजगार को लेकर युवाओं के साथ में, वो पूरा नहीं किया।